नमस्कार, एग्री कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 29 नवंबर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेबिनार के अंदर पिछले हफ्ते हमने कॉटन कॉम्प्लेक्स को कवर किया था, ये हफ्ते शनिवार को 4 तारीख को 12:30 बजे हम गवार कॉम्प्लेक्स को कवर करेंगे। इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस वेबिनार में हम टेक्निकल, फंडामेंटल और मंडी अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे पहले वीकली बेस की अगर हम बात करें तो सोयाबीन में हमने लोअर लेवल से काफी जबरदस्त तेजी आते हुए देखी, जो 6100 के लेवल से 6900 का लेवल दिखाता हुआ दिखाई दिया। अराइवल ड्रॉप है, डिमांड पॉलिट्री इंडस्ट्री से काफी शानदार है, इंटरनेशनल मार्केट भी सपोर्टेड है, तेल के भाव में भी तेजी की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। बट कहीं ना कहीं अपसाइड पे एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू था, जिसके चलते हमें लगता है कि प्राइजेस में एक 6400-6500 तक का भी अगर पुलबैक मिले, उस पुलबैक पे हम फिर से लेके चलेंगे। 7200 का टारगेट ओवरऑल रहना चाहिए सोयाबीन का। कैस्टर की बात करें तो 2.5% की तेजी जरूर आई शॉर्ट कवरिंग के चलते, बट 6400 से 6650 का जो दायरा है, इसी दायरे में कैस्टर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि 6400-6650 के पुलबैक पे फिर से आप कैस्टर लेके चलिए, जिसमें तेजी का रुख रहेगा। रिफाइन सोया और सीपीओ क्रूड की गिरावट के चलते हमने एक गिरावट देखा जरूर है, 1090 से लेकर 1210 तक के लेवल हम दोनों काउंटर में देख पाएंगे, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। सोयाबीन की तेजी का सीधा सीधा सपोर्ट दोनों काउंटर को मिलेगा। मसालों के अंदर हल्दी में 4% की तेजी, जबकि जीरे में 4% की गिरावट आती हुई देखी। धनिया के अंदर हमने 1.5% की तेजी देखी है। जीरे के अंदर हमें लगता है कि प्राइजेस में एक पुलबैक जरूर दिखाता है, बट 16200 के करीब जाने के बाद प्राइजेस के अंदर फिर से एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। धनिया के अंदर एक हार्मोनिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, जो 8500 से 8200 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं हल्दी के अंदर हमने देखा कि डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही है, कैरियर स्टॉक अच्छा है, सोइंग में डैमेज जरूर हुआ है जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिला है, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर फिर से एक पुलबैक आता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल मसालों के अंदर थोड़ा सेटबैक रह सकता है। गवार कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो अभी भी हमारा व्यू मंदी का ही है। जिस ढंग से पिछले हफ्ते में भी हमने 5 से 10% की गिरावट आती हुई देखी, ये हफ्ते के अंदर थोड़ा भी अगर पुलबैक मिले बेच के चलिए। फेयर प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें तो 5500-5600 का रेंज गवार सीड में और 9500 का रेंज हम गवार गम में देख पाएंगे। मेंथा ऑयल साइडवे चलने की तैयारी में है। कॉटन के अंदर हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक बड़ी बिकवाली के लिए मार्केट तैयार है, जिस ढंग से जीएसटी हाइक है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस पे दबाव लाएगा। जबकि कॉटन सीड ऑयल के अंदर 2800-2850 का इमीडिएट हर्डल है, पिछले हफ्ते की बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है। तो मैक्सिमम 2800-2850, एक पुल बैक जो 2550 तक का भी लेवल दिखा दे, इस पे आपको ध्यान रखना है। आज के सेशन में टॉप पिक की अगर हम बात करें तो मसालों के अंदर दबाव रहेगा बेच के चलिए, कैस्टर में दबाव रहेगा बेच के चलिए, गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर दबाव रहेगा बेच के चलिए। टेक्निकली भी अगर हम बात करें तो जीरे के अंदर 16200 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, तेजी बड़ी नहीं बनेगी, पुलबैक 15400 का लेवल दिखा देगा। कैस्टर के अंदर अगर हम बात करें तो प्राइजेस 6550 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, पॉसिबल है हम वापस 6400 का लेवल देखें। धनिया के अंदर फ्री फॉल रहने की उम्मीद है 8800 के नीचे, जो 8300 तक का लेवल दिखा देगा। हल्दी थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, बट 7400-7700 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।